नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बागवानी में। मैं हूं आपका दोस्त श्री किशन अहिरवार, MSc फ्रूट साइंस। आज हम बात करेंगे कि जनवरी में कौन कौन सी सब्जियां लगाई जाती हैं और कितनी दूरी पर लगाई जाती है, साथ ही साथ एक हेक्टेयर के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है। इन सभी बातों की हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। जनवरी के महीने में आप फूल गोभी लगा सकते हैं। इसको आपको जनवरी में लगाना है, लेकिन इसकी पौध को आपको दिसंबर में ही तैयार कर लेना है। इसके लिए आपको एक हेक्टेयर के लिए 500 ग्राम बीज की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप एक हेक्टेयर के लिए आधा किलो बीज लगा सकते हैं, या फिर एक एकड़ के लिए 200 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसको आपको 60x45 सेंटीमीटर पर लगाना है। मतलब क्यारी से क्यारी की दूरी आपको 2 फुट रखना है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1.5 फिट रखना है। और जैसा कि हम जानते हैं कि ये 3 महीने की क्रॉप है, तो ये मार्च तक आपका हार्वेस्टिंग के लायक तैयार हो जाएगी। जनवरी के महीने में आप पत्ता गोभी को भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसकी पौध दिसंबर में ही तैयार करना पड़ेगी। जब इसकी पौध 25 से 30 दिन की हो जाएगी, तब आपको जनवरी के महीने में खेत में लगाना है। एक हेक्टेयर के लिए आपको आधा किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एक एकड़ में लगाना चाहते हैं, तो 200 ग्राम बीज पर्याप्त है। और आपको पौध लगाते समय पौध से पौध की दूरी और क्यारी से क्यारी की दूरी 60x45 सेंटीमीटर रखना है। जनवरी में आप तीसरी क्रॉप ब्रोकली लगा सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए दिसंबर में उसकी पौध तैयार करनी पड़ेगी और जनवरी में आपको खेत में लगाना पड़ेगा। उसके लिए आपको एक हेक्टेयर के लिए 400 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एक एकड़ में लगाना चाहते हैं, तो आपको 150 से 200 ग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। आपको क्यारी से क्यारी और पौध से पौध की दूरी 60x45 सेंटीमीटर रखनी है। अब बात करते हैं जनवरी में लगाई जाने वाली चौथी फसल की, जिसका नाम है मूली। मूली को हम जनवरी में लगा सकते हैं और ये 45 से 60 दिन की फसल होती है। इसके लिए हमें एक हेक्टेयर के लिए 10 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर आप इसको एक एकड़ में लगाना चाहते हैं, तो आपको 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इस फसल के लिए आपको नालियाँ और मेड़ बनानी पड़ेगी। मेड़ के ऊपर आपको 6 से 8 सेंटीमीटर के अंतराल पर बीज की बुवाई करनी है और क्यारियों से क्यारियों की बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर रखनी है। अगर आपको लगातार फसल चाहिए, तो आपको 15 से 20 दिन के अंतराल पर इन बीज की बुवाई करनी है, जिससे आपको लगातार फसल मिलती रहेगी। जनवरी के महीने में हम पांचवी क्रॉप शलजम को लगा सकते हैं। इसको हम जनवरी में लगाते हैं और ये हार्वेस्टिंग के लिए मार्च तक तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें एक हेक्टेयर के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप इसको एक एकड़ में लगाना चाहते हैं, तो आपको 1.25 किलो बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके लिए आपको क्यारियों से क्यारियों की दूरी और पौध से पौध की दूरी 30x10 सेंटीमीटर रखना है। आइए अब बात करते हैं जनवरी में लगाई जाने वाली छठवीं फसल की, जिसका नाम है अमेरंथस। इसको हम चौलाई भी बोलते हैं। इसको हम जनवरी में लगाते हैं और ये 30 से 35 दिन बाद ही फर्स्ट कटिंग के लिए तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एक एकड़ में लगाना चाहते हैं, तो आपको 1 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए आपको क्यारी से क्यारी से और पौध से पौध की दूरी 20x15 सेंटीमीटर रखना है। जब आप 30 से 35 दिन बाद फर्स्ट कटिंग ले लेते हैं, तो उसके 8 से 10 दिन बाद आप इसकी सेकंड कटिंग ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जनवरी में लगाई जाने वाली सातवीं फसल की, जिसका नाम पालक है। इस फसल को हम जनवरी में लगाते हैं और ये 1 महीने बाद ही पहली कटिंग के लिए तैयार हो जाती है। इसको लगाने के लिए एक हेक्टेयर के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर आप एक एकड़ में लगाना चाहते हैं, तो 10 किलोग्राम बीज की आपको आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके लिए आपको क्यारी से क्यारी की दूरी 30 सेंटीमीटर रखना है और पौध से पौध की दूरी 8 सेंटीमीटर रखना है। जब आप पहली कटिंग कर लेते हैं, तो जब दूसरी कटिंग लेना होती है आपको, तो उसके बीच में 10 से 15 दिन का अंतराल होना जरूरी है। चलिए अब बात करते हैं जनवरी में लगाई जाने वाली आठवीं फसल की, जिसका नाम है धनिया। धनिया को आप जनवरी में लगा सकते हैं, लेकिन आप जनवरी में तभी लगाएं जब आपको इसकी पत्तियों की हार्वेस्टिंग करना हो, क्योंकि ये पत्तियों की हार्वेस्टिंग के लिए 30 से 45 दिन में तैयार हो जाता है। लेकिन अगर आपको इसको सीड के पर्पस से लगाना है, तो आपको इसको नवंबर में लगाना पड़ेगा, जिसका ड्यूरेशन 30 से 4 महीने होता है। इसको आपको एक हेक्टेयर के लिए
15 से 20 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप एक एकड़ में लगाना चाहते हैं तो आपको 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता पड़ेगी और आपको क्यारी से क्यारी की दूरी 20 सेंटीमीटर रखना है और पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर रखना है। जनवरी के महीने में आप मेथी को भी लगा सकते हैं क्योंकि ये एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है और इसकी जो पहली कटिंग आप 20 से 25 दिन बाद ही ले सकते हैं और इसके लिए आपको एक हेक्टेयर के लिए 25 से 30 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। अगर आप एक एकड़ में लगाना चाहते हैं तो 10 किलोग्राम बीज की आपको आवश्यकता होती है। इसमें आपको क्यारी से क्यारी और पौध से पौध की दूरी 30x5 सेंटीमीटर रखना है। पहली हार्वेस्टिंग के बाद आप दूसरी हार्वेस्टिंग 10 से 15 दिन बाद ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं जनवरी में लगाई जाने वाली 10वीं फसल और आखिरी फसल की, जिसका नाम है आलू। वैसे तो आलू नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में अक्टूबर नवंबर में लगाया जाता है, लेकिन इसको आप जनवरी में जो हिल्स होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसमें आप लगा सकते हैं। इसको इसमें आपको स्पेसिंग 50x20 सेंटीमीटर रखना है और इसकी जो बीज दर है, सीड रेट है, वो एक हेक्टेयर के लिए 20 क्विंटल होनी चाहिए। अगर आप एक एकड़ में लगाना चाहते हैं तो आपको 8 क्विंटल बीज की आवश्यकता पड़ने वाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। जय किसान, जय विज्ञान।